I won't ever in my life spend more than 50 lakhs on an EV car. I hate EVs. A new petrol head will never appreciate me. क्या बोला हाँ, तो इतनी काली क्यों लग रही है बट व्लॉग में? ओके हाय गाइस, बाय द वे वी आर वेटिंग फॉर श्रेया. आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है. मेरी बहन पागल है गाइस. सो आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोग के लिए. आज हम लोग, मैंने बहुत खराब चीज़ें बोली है उसके बारे में, बट आज फाइनली हम लोग यू नो वी आर गोना डू इट. सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द सरप्राइज. एंड श्रेया कम्स, वेलकम टू श्रेया नंबर टू व्लॉग्स. This is a surprise. I'm talking about the Audi RS E-tron. It's a surprise. I know, even though I have said few things about that, but ठीक है यार, let's try. आज मैं try कर रहा हूँ. देखते हैं. आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, guys. आप लोग बताओ कैसा लगा. Looks damn good. Photos are. By the way, big thanks to Audi for sending the car. Crazy it looks. I know guys, I have said it before, I am against EV. But ठीक है यार, एक बार try कर लेते हैं. मैंने तो ऐसे श्रेया के लिए बुलाया था, मैं भी आज try कर लेता हूँ and देखता हूँ कैसा है. I am always and forever gonna be a petrol head till my last breath. It's a EV. ना ही ये diesel है, ना ही ये petrol है. ये battery है. But this looks good, no doubt. Iske looks bahut sharp hai, especially from the front. Right now this is our TC number and we have not bought this car. To aap log ye mat sochna hum log ne khareeda hai. Audi has sent us the car. Front se to kafi acha lagta hai. Iske lights to Audi ke lights to best hai. Shreya is filling up the form. Wo ek form hota hai jo bharna hota hai whenever you drive because the car is on TC number. Even the wheels are looking good. It has that spoiler jo button se button actually wahan pe ek hai usse khulta hai. Even the tail lights. Abhi hat jate hai kitni baar lo. Chal chal chal. From the rear also it looks damn good. It looks very good. Side profile bhi, हाँ बहुत eye catching है. Side profile भी इसका काफ़ी अच्छा है. मैडम जी, हो गया आपका? हाँ हो गया, मैंने फोन कर दिया. चलो चले और एक बार कार स्टार्ट करना. अच्छा स्टार्ट है कि स्टार्ट? अच्छा गाइस कार स्टार्ट है बट कुछ मालूम नहीं चला है. ये चीज़ मुझे बहुत कन्फ्यूज़ करती है. व्हाट डू यू थिंक श्रेया, कभी कभी लगता नहीं है कि कार समझ में नहीं आता है? I'm not ever gonna you get used to it, but चलो चलते हैं for a drive. And हाँ, इसमें it's a proper four seat, like यहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब seeing the design ऐसा नहीं है कि आपको front seat से पीछे आना. It's a proper four door car, so that's a very good thing. चलो guys चलते हैं. हाँ जी मैडम, 180 किलोमीटर का पावर है. हल्का सा कस के बोलिए. 180 किलोमीटर? नहीं नहीं, बस बस हल्का नॉर्मल. एक मिनट, हाँ 180 किलोमीटर का इसका बैटरी अभी बाकी है. 179 ठीक है. अभी तो हमेशा ऐसे सड़ू क्यों रहती है? अच्छा, but how come you sitting in an electric car, Amit? मैं नहीं, ये बात पहले. हाँ मेरे को फीवर आ गया हल्का, वैसे तो हल्का फीवर है, गर्म हो चुका है. इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठा है वो भी 2 करोड़ की इलेक्ट्रिक गाड़ी. हाँ ये 2 करोड़ का है. हाँ 1.80 CR आई थिंक एक्स शोरूम, इसमें रजिस्ट्रेशन ये सब भी लगता है. सो गाइस पीछे कंफर्टेबल है, अभी तक मैंने तो ट्राई नहीं किया है. बड़ा कंफर्टेबल है, बट इट अभी मैं अभी तो मैं पीछे बैठी है तो मेरा भाई हल्का सा साइज भी वैसा है तो देखो अनकंफर्टेबल. बट हाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है, बट ठीक है, फेयर इनफ. मतलब ऐसा है कि आई फील कि दो एडल्ट तो आराम से बैठ सकते हैं इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम. दैट इज 100%. मैं उसका भी बताऊंगा आपको. सो
ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन दिस कार इज रियली गुड. हाउ इज इट? मैं जिस दिन पहले दिन चला रही थी, मुझे हल्का ब्रेक स्लो लग रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक कार है. तो एंड गाइस, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने ना जब इसको चलाया तो मैंने ये चीज सबसे पहले नोटिस किया था. ये ना मुझे पूरा लैम्बोर्गिनी मेरे पास जो ओयस है ना उसका फील देता है. इसका हर एक सिस्टम, इसका जो ये स्क्रीन का जो ये पूरा शेप, इसका जो हां ये हल्का सा मुझे मालूम नहीं क्यों, ये हल्का सा, हां ये भी ठीक ही है. मतलब ये भी मुझे काफी सिमिलर लगा, इसका जो टच पैटर्न है और फिर जो भी इसमें फीचर्स वगैरह है. इनफैक्ट जो उधर हेडलाइट का जो उसमें ऑप्शंस दिया हुआ है जो है वो भी, इट्स वेरी सिमिलर टू माय लैम्बोर्गिनी ओयस. बट एक बात बताऊं, मैं पहली बार एक ऑडी में, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गियर नॉब, दैट्स नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक एंड आई प्रेफर. एंड हां बट द ड्राइविंग हाइट कितनी बार बोलेगी एक ही चीज. बहुत मजा आ रहा है मुझे. अच्छा गाइस, इसका स्पॉइलर के लिए आई थिंक वी हैव टू गो ओवर. सो यहां पे हमको ऐसे स्क्रॉल डाउन करके वी हैव टू प्रेस दिस एंड देन द स्पॉइलर रेजेस अप. आई डोंट नो, आई थिंक एट सर्टेन स्पीड तो ये ऑलरेडी खुद से निकल ही जाता होगा 100%. यस हां, कार इज वेरी लो गाइस, इट्स वेरी लो. बट देन अगर इसको जैसे यहां पे जैसे अभी ड्राइव सेलेक्ट में यहाँ पे अपने जैसे कहा वो वापस फिर करके दिखाना. हाँ यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट है, इसको प्रेस किया यहाँ पे, अभी ऑलरेडी ऑन द ही मतलब सबसे ऊपर है. इसको दबाएंगे तो ये लोअर भी हो सकता है. इट हैज एफिशिएंसी मोड, कंफर्ट, डायनेमिक एंड इंडिविजुअल. एंड आई थिंक डायनेमिक इज द मोस्ट पावरफुल मोड. एंड इट हैज ऑल द एमए लाइटिंग, इट हैज दिस मैट कार्बन फाइबर, दैट लुक्स प्रीटी गुड. आई विश यहाँ पे भी होता सेंटर पैनल पे, बट नेवरदलेस ओवर हियर ऑल्सो यू कैन सी द मैट कार्बन फाइबर. इट हैज गुड रेड स्टिचिंग, दैट्स नाइस, अमेजिंग. इट हैज दिस पैनोरमिक सनरूफ जो पीछे तक जाता है. I'm not that fond of it, but ठीक है, it looks good. It looks good, yeah, it looks good. And it has this red seat belt. Even that looks good. Yeah. ये आगे और continue करते हैं. हम friend को pick करने जा रहे हैं. Yes, we're gonna pick one friend of us and. और फिर हम चारों फिर drive पे जाएँ. Drive पे जाएँगे और पहले पेट पूजा करेंगे. बहुत भूख लगा है. मैंने तो खाना खा लिया घर पे. बूझी क्या है ये बू? ये सोबो लोगों जैसा बात करने की जरूरत नहीं है. बट मॉडर्न होने का मतलब ये हेलो मस्त बनाया. वाओ वेरी नाइस. आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग पे. आर वी सपोज्ड टू टॉक इन द ब्लॉग? या ऑफ कोर्स. वी आर लाइक गॉसिपिंग ना पीछे, इसलिए पूछ रही हूं. बाय द वे, इसका ये फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल पे. शी इज अ मॉडल. यस. Yeah. I'm very expert in third wheeling, so you can see. Yeah. Third actually, wheeling. Actually, Sonam is expert in that, but yeah. Nevertheless. Okay. Okay, let's go. Amit instructions de raha hai. Amit is missing his friend, Prashad. Yeah, Prashad. Kyunki I'm missing you, Prashad Nagarkar, a lot. क्योंकि हम लोग तीनों ने गर्ल गैंग बना के अमित को परेशान कर दिया है. मिसिंग प्रसाद अलाउड. अगर तेरा बकबक बंद हो गया हो तो गाइस, दिस कॉफी इज टू गुड. जो भी है ये बहुत अच्छा है. ये कॉफी है ना क्या? हाँ भाई, बहुत टेस्टी है. नो यू कांट, अमेजिंग. बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी. इट्स जस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट थिंग. हाय, व्हाट्स अप पीप्स? भूख गए गाइस ये लोग सब. मेरे को भूख भी नहीं लगा था, तब भी जानबूझ के खींच के लाए यहाँ पे. मैं तो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आना भी नहीं चाहता था. एक्चुअली यार, अभी हम लोग ने भूजी में इतना ठूसा और फिर ये लोग यहाँ पे लेके आए. मैं नहीं बोला, ये लोग. अच्छा अच्छा, कोई इंसान है जो खाने के डिनर के आधे घंटे बाद भूख लग जाती है? नॉट मी गाइस, दिस इज नो, दिस इज नॉट यू गाइस. ये हम लोग ने खींचे. वो तो चापलूस एक नंबर की, वो तो इसी का साइड लेगी. हाँ, इफ यू नो यू नो, मुझसे सीखी है, मुझे बोल लीजिए. गाइस मैं नहीं आना चाहता था, बट फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, आ जाता हूँ. बट नेवर माइंड, हम फाइनली फॉल्स आ गए और हमें ये मिल गया. अभी इसके बाद ड्राइव्स पे चलेंगे एंड बहुत टाइम बाद मैं ड्राइव जाएंगे. और गाड़ी का चार्ज खत्म होगा और रास्ते में खड़े रहेंगे. कोई बात नहीं यार, वो तो
और ये एक साल में हमको एक बार मिलते हैं तो इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग अब चार्जिंग स्टेशन पहुंच गए हैं। आज वी आर मीटिंग वन ऑफ आवर फ्रेंड संदीप, अपनी 480 में आया है। ये ऑडी का एक प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन है बीकेसी में साबस के बाजू में और ये फास्ट चार्जर है तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए। सो यस विल चार्ज द कार, कुछ आधे घंटे में बोला है फुल चार्ज हो जाएगा एंड देन अभी और अभी ऑलरेडी 95 हो गया है तो फिर लेट्स चार्ज फर्स्ट एंड देन विल मूव अहेड। Okay, we are stuck now. Mumbai में भी stuck. Shit, बहुत complicated scene हो रहा है अभी. Finally, उसको बहुत hard work pays off. Hard work करने के. Yeah, you're looking very hot in this lighting. बस finally start. अभी इसका मुझे क्या return gift मिलेगा इतना? बट काफी मेहनत लगा इसको स्टार्ट करने में, ठीक है सीखने को मिला। बेसिकली इट्स नॉट दैट हार्ड। आप ये स्टेशन है ऑडी का स्टेशन, यहाँ पे आके हल्का सा समझ में नहीं आया था बट फाइनली अभी चार्ज हुआ है। हमको यहाँ से प्लग ही निकाला जो इसमें आप ब्लू लाइट देख रहे हो, पहले हमने दूसरा डाला था वो नहीं हुआ, अभी हमने इसको कनेक्ट किया और जिसने मेरे को गाड़ी दी थी क्लाउडस ही एक्चुअली अपने फोन से वहाँ पे घर से उसने कनेक्ट कर ऐप से ऑडी ऐप से तो ये 23% हो गया। यहाँ पे दिखा दे तू, इट्स प्रीटी फास्ट। हां इट्स प्रीटी फास्ट, ही जस्ट प्लग्ड इन 24। यस यस इट्स चार्जिंग ब्रो, 24% हो गया है। ओके लेट्स गो, नाउ वी हेड टू स्टारबक्स। ओह दैट्स हिज 488, दैट्स संदीप आवर फ्रेंड। हाय हाय विल आई विल इस बार तो आप आ गए, आप पे एडिट नहीं हो सकता भाई, ऐसा मत कर। नहीं आप एडिट नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम डालो। लव द इंटरव्यू, यू हैव पुट कैप्रिस्टो नहीं नोवाटेक नो एग्जॉस्ट। हां चलो अब इसका टॉर्क देखते हैं कितना है एक्चुअल में। इट्स 830 टॉर्क, 646 हॉर्स पावर, आई थिंक 0 to 100 समवेयर अराउंड 0.9 है। एंड गाइस ये चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है। हाफ एन आवर में अभी एक डायनेमिक मूवमेंट, डायनेमिक एंड द वेरी गुड थिंग इज चलो लेट्स गो। डैम बट गाइस ब्रेक बहुत स्लो लगता है, बहुत स्लो लगता है। Of course, EV car, brake has an issue. All the EV car has. But crazy, yaar. Damn. Braking is a issue, man. Braking is a issue because being a EV car, braking is a issue. But crazy power, guys. Shreya? Amazing. How is the pull, Sonam? Sonam is quite. Sonam has become Ronam. Sonam, how is the pull? Do you like the pull? गाना सुनने को सुनाई नहीं दिया क्या? सुनाई वैसे भी नहीं देगा exhaust. Do you like the pull? हाँ अच्छा है. आधे घंटे में चार्ज हो गया एंड वेरी गुड थिंग। नाउ दिस इज 378, थोड़ा भगाया है तो 378 का
किलोमीटर का है, ठीक है, दो तीन दिन में ड्राइव, दो तीन दिन में एक बार चार्ज करो. नो बीब, दिस इज हैज सम लेन थिंगी. आई जस्ट केम हियर. हां, दैट लेन, आई टोल्ड यू एंड यू डिडंट. आई डोंट नो इफ दिस हैज सम लेन थिंग, बट आई जस्ट फेल्ट हाउ यू इट पुशेस इन बैक इन योर लेन. इट्स लेन असिस्ट बेसिकली, बट देयर इज नो बटन फॉर दैट. एंड देयर इज, यू हैव टू लाइक, यू नो, लाइक इन जी वैगन हाउ यू कैन टर्न इट ऑफ. हां, सो इवन दिस, यू आर यूज्ड टू मर्सिडीज ना, यू आर नॉट, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू ड्राइविंग एन ऑडी. आई मीन नॉट द फर्स्ट टाइम, बट देन भाई क्रेजी है भाई, कुछ तो बोलो भाई. ईवी कुछ भी बोलो, ईवी का पुल बहुत सही है, बट नॉट फॉर मी. अनडाउटेडली, बट फॉर मी इट्स अ वेरी गुड कार. थैंक्स टू ऑडी मुंबई वेस्ट, क्लॉडिस. क्लॉडिस मतलब एक ईवी का तो होना चाहिए, है ना. अच्छा अच्छा अच्छा, क्या 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 बोला, क्या बोला? ईवी का मतलब एक. अच्छा, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग बोला था, जब तक जिंदा हूँ, till my last breath, I am going to be a petrol head. Nothing else. मतलब कभी वो नहीं. But I like EV. The fact is, I want an EV. कभी-कभी ऐसा चलो हल्का सा मन किया. And e-tron, but not this one. Yeah. But if you see daily, this is. अच्छा guys, this car. December 2024, सारे Audi के जो भी charging stations हैं around, in and around us, that is 100 charging station. वो app पे, yeah, वो app पे दिखाता है. And then उसमें आपको कुछ पैसा नहीं भरना है. आधे घंटे में ये मेरी गाड़ी full charge हो गई है. 385 किलोमीटर का range. है, इतना मुझे 7000 का डीजल भरवाना पड़ता है इतने रेंज के लिए जीएलसी में. हाँ गाइस, मैं आपको ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इसका, डेली ड्राइव के लिए. डेली ड्राइव के लिए मैं एकदम, जैसे आपको मालूम है मैं उसे तो मैं एकदम ऑनेस्ट बोलते हैं, हम लोग ने पूरा कार चलाया. उसके बाद जब इसका वो हो गया था खत्म, लाइक चार्ज का वो खत्म हो गया था, तो अभी क्या बोल रहा था, मैं चली जाऊंगी तो मेरा याद आने वाला था. ठीक है, मेरी याद आएगी नहीं अभी. हाँ. तो बोल रहा था ऑफ द कैमरा, अभी कूल बनने के लिए बोल रहा है. मैं ये सर कभी बोल ही नहीं सकता हूँ. अच्छा ठीक है, मैं ना ये बोल रहा था गाइस, मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आप लोग से, जो चार्जिंग के बारे में था. और हम शेया भी इनफैक्ट, सो हमने फुल डे, जो लास्ट मैंने बात किया था, मैंने फुल डे कार चलाई, शेया ने भी चलाई. जब इसका एकदम खत्म हो गया 95 पे आ गया. सो ऑडी का चार्जिंग स्टेशन, जैसे शेया ने बताया था, ऑडी का चार्जिंग स्टेशन जो दिसंबर तक वैलिड है, फ्री है, उसके बाद चार्जेबल होगा, वो भी उतना नहीं होगा. तो उसमें हमने चार्ज पे लगाया, फिर भी अगर होगा भी तो कितना, 1500-1800. आई डोंट थिंक सो, उतना भी होगा, उतना भी नहीं होगा. फास्ट चार्जर्स आर दैट मच. Maybe not. I am not sure. मैं कमेंट नहीं कर सकता इस पे. So ठीक है. So मैंने Audi charging station जो मुझे Claudius ने suggest किया था, BKC में है, वहाँ पे मैंने कार लगाया. और वैसे आप कोई भी charging station पे लगा सकते हो. And इसका एक basically app है. जब आप ये कार लोगे तो आपको एक app वो लोग बोले डाउनलोड करें, जिसमें आपको वो बताएगा कि कितने सारे charging stations है जहाँ पे आप charges को कर सकते हो. जैसे कि मुंबई में काफी सारे charging stations है, तो ऐसा मुंबई में locally चलाने का कोई issue नहीं है. आई थिंक यू माइट फाइंड अ issue जब आप इसको बाहर लेके जाओगे. लोनावला भी चल जाएगा गाइस, बट आई फील अगर आप एक साइड लोनावला जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाइल कमिंग बैक यार, चार्ज हाफ एन आवर इज नॉट अ बैड, हाफ एन आवर, बट हर जगह आई गेस फास्ट चार्जिंग नहीं होता है ना. हां, तो यू कैन लाइक प्रिपेयर ना, ऐसे अपना प्लान थोड़ा. हां, आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लान ट्रिप होना चाहिए. ओके, अभी हम ऑडी की बात करते हैं. समझो आप ऑडी आए, सीट ऑन लेके कहीं पे आपने कोई ट्रिप प्लान किया, तो आपको ना वो एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, कहां पे कितने चार्जिंग स्टेशन है, कहां पे रुक सकता हूं. वो जैसे आपको एक पेट्रोल कार में नहीं कर सकते, आपको कोई जरूरत, आपको मालूम है हर जगह पेट्रोल मिलेगा ही, चाहे आपको ऑक्टेन 100 ना मिले, बट आपको नॉर्मल पेट्रोल तो मिलेगा ही, चाहे पावर ना मिले. आई एम टॉकिंग एज अ डेली ड्रिवन. डेली ड्रिवन आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. अभी मैंने इसको डाला ऑडी में, बहुत इजी था मेरे को, उन्होंने समझाया, मैंने कनेक्ट किया वहाँ पे, आधे घंटे के अंदर मेरा कार 20% हो गया था, 80-90% हो गया, और बहुत जल्दी हुआ है. मुझे ऐसा कोई उतना बहुत टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में हो गया, आधा घंटा. एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और बहुत इजी है, खुद से चार्ज करना निकालना वाज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड आपको ऐप में बताएंगे भी जब आप कार चलाओगे कितने सारे चार्जिंग स्टेशन है, तो कभी ऐसा आपको डर नहीं होगा कि चार्जिंग अगर कभी खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा. मुंबई में स्पेशली काफी अच्छा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया में बहुत अच्छा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो है चार्जिंग स्टेशन. बट वही मैं उसे बोलना चाहेंगे, ट्रिप प्लान करके जाना पड़ेगा. बट वी डिडंट फेस एनी इश्यूज. यू वर सेइंग समथिंग. आई एम सेइंग दैट मुझे एज अ डेली ड्रिवन का जो e-tron नॉर्मल, नॉट दिस e-tron, नॉट द RS, बट जो नॉर्मल e-tron है, जो कॉम्पैक्ट SUV है, वो एज अ डेली ड्रिवन, जस्ट टू रिप्लेस दैट कार, वो दूसरी गाड़ी से, मेरी डेली ड्रिवन गाड़ी से, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए. हाँ. कन्वीनियंट है, बहुत इकोनॉमिकल है, और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आई मीन आई टेक बीइंग अ गर्ल, थोड़ा तो मुझे टाइम लगता है ना गेटिंग यूज्ड टू एनी कार, बट फर्स्ट टाइम आई वाज ड्राइविंग दिस कार, आई एम टू यूज्ड टू इट. यू आर नॉट अ गर्ल, यू हैव बिकम अ पेट्रोलहेड लाइक मी. No, but I'm just saying that मेरे को टाइम लगता है ना, हल्का दो बार चलाना पड़ता है मुझे थोड़ा सा to get the judgment. But मैं जैसे इस पे गाड़ी में बैठी हूँ, मैं चलाने मुझे proper like race कितना करना है, कितना कैसे निकालना है, कहीं टच नहीं होना चाहिए नीचे, कुछ भी, मतलब it's a newer car, जो भी RS है ये, कुछ भी बोलो तो yeah, amazing. And I'm in love with the interior. So guys, मैं आपको, yeah, so मैं आपको cars के बारे में, इसके lights,
अमेजिंग. मुझे इसका जो तीन बार खाने के बाद वापस इनको भूख लग गई है एंड देन ही कंप्लेंस कि हम सब ज्यादा खाते हैं. ये मैकडॉनल्ड्स मुझे बहुत वैसे भी कूल लगा. एयरपोर्ट पे खुला है टर्मिनल 2 पे. चाहिए लाइए. मैं बैठती हूँ गाड़ी में. YouTube. Okay guys, McDonald's ले लिया finally और let's head home. कितनी भूख लगती है. So guys, I'll be honest, मैं सिर्फ healthy खाना खाता हूँ. But मैं सिर्फ healthy खाता हूँ. It's not funny. But the problem is मुझे इतना ज़्यादा भूख लग गया है क्योंकि अभी कोई मैं किसी को उठा कर बोलूँगा बनाने और अभी कुछ मिलता भी नहीं है Zomato पे healthy इतने रात को. तो मैं oats बना देती. तो मैंने सोचा कि chicken nuggets खा लेता हूँ. अरे हाँ, शेया बहुत क्रेजी कल मुझे बना के खिलाई थी. बहुत क्रेजी था वो oats जो शेया ने बनाया था. आई loved it. शेया बहुत अच्छी बनाती है. शेया जब भी मेरी कुछ बनाती है बहुत टेस्टी बनाती है. ओके गाइस, मैं एक रिचुअल है जब भी मैं यहाँ से पास करता हूँ वो रोड से, तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को देख के सैल्यूट. मैं दिल में हूँ, बहुत मानता हूँ. आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग. हमने जो भी था एकदम ऑनेस्टली बोला. जो भी इस कार के बारे में हमको बोला था वो भी हमने एकदम ऑनेस्टली बोला. ब्रेकिंग से हल्का यूज टू होना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक से हल्का यूज होना पड़ेगा. अच्छा गाड़ी है. ऑल टुगेदर वेरी गुड कार. स्पीड 5 out of 5. ब्रेकिंग 5 out of 5. ओके 10 out of 10. 5 out of 5 व्हाटएवर. 5 out of 5. ब्रेकिंग 2 out of 10. अच्छा स्पीड 5 out of 5 एंड 2 out of 10. अच्छा अच्छा, अपने हिसाब से वो बदल रहा है. चलो क्या नंबर. भाई वही इन 10 आई विल गिव एग्जैक्टली 10. इन इफ इट्स अबाउट ब्रेक्स आई विल से 2 out of 10. फीचर्स 7. रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. स्पीकर्स 10 on 10. स्पीकर्स 10 on 10. एवरीथिंग इज परफेक्ट. चुमेश्वरी एवरीथिंग इज गुड. नो प्रॉब्लम. सरप्राइजिंगली विदाउट राय ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार. रे विदाउट रेस आल्सो ये कहीं टच नहीं होती है. कहीं टच नहीं होती कार नो मैटर बीइंग अ बैटरी कार. जो जबकि EQC टच हो जाती है. वो जो मैं 3 point नहीं दिया वो एक्चुअली उसके सबसे मेजर रीजन तो ब्रेकिंग है. बाकी मैं इसको ओवरऑल 7 out of 10 दूंगा. दिस इज गुड फॉर सिटीज. आई वुड गिव दिस. मैं दूंगी एक्चुअली 8. मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी. मुझे इलेक्ट्रिक कार्स पसंद है. हमें तो देवो को नहीं पसंद है. दैट्स अनदर स्टोरी. बट मुझे आई थिंक अगर ई-ट्रॉन एसयू द नॉर्मल नॉट द आरएस ई-ट्रॉन आई वुड लव दिस ई-ट्रॉन द नॉर्मल वन फॉर अ डेली ड्राइव. यस आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस कार लॉन्ग ड्राइव के लिए. मेरे को कंसिडर करना ही नहीं है. मुझे डेली ड्रिवन के लिए जहाँ पे हमारे पास लकीली इन बॉम्बे वी हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के लिए एंड एवरीथिंग. तो मुझे एक इलेक्ट्रिक कार तो होना चाहिए यार. ठीक है इलेक्ट्रिक इज अपेरेंटली नॉट द ओनली सोल्यूशन और नॉट द फ्यूचर बट हाइब्रिड है. मतलब हाइब्रिड वी हैव ऐसा नहीं है. एनीवे लेट्स कॉल इट अ डे. बहुत फन था. आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा. तो क्या है ये? नहीं हुआ बारिश है. अच्छी चलो कोई नहीं. बाय बाय टूडल्स. बाय बाय गाइस. सी यू. लव यू ऑल.